सुनिएगा कि मैंने 2016 से 2023 तक जो अमेरिका में अपनी दो कंपनियां बनाने में कामयाब रहा और आज आपके साथ बैठा हूं, इसमें सबसे बड़ा किरदार किस चीज का है। मैं था वहां पे सेल्स एजेंट, 5000 रुपए में सेल्स एजेंट था मैं, ठीक हो गया। मेरा काम क्या था? कॉलिंग करना, मैं कॉलिंग करूंगा और सेल्स लेकर आऊंगा, ये मेरा काम है। लेकिन मैं वहां पे मशीन डिपार्टमेंट भी जा रहा हूँ, मैं डिजिटाइजर्स के पास भी जा रहा हूँ, मैं फाइनेंस भी देख रहा हूँ, मैं इनवॉइसिंग भी देख रहा हूँ, मैं DHL भी देख रहा हूँ, ट्रैकिंग भी कर रहा हूँ। यानी कि देखिए, तीन किस्म के लोग होते हैं ना दुनिया के अंदर। सही। एक वो बंदा है तहसीन भाई जो 200 रुपए सैलरी लेता है, ठीक है, और 100 रुपए का काम करता है। एक ये बंदा है, एक माइंडसेट की बात बता रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। एक वो बंदा है जो 200 रुपए सैलरी लेता है और 200 रुपए का काम करता है ईमानदारी के साथ, मतलब 8 घंटे काम करेगा। एक वो बंदा है जो 200 रुपए लेता है लेकिन 300 रुपए का काम करके देता है। अच्छा, जो बंदा है ना जो 200 रुपए लेता है और 150 रुपए का काम करता है, ये अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता। इसको अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तुम्हारी ना इस बात को, थोड़ी बात काट रहा हूँ, जरूरी है समझाने के लिए। लोग ना पैसे से इसको वो करेंगे, इसको तुम ऐसे कर लो कि जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ना वो पूरी करेगा, और कुछ होते हैं यार टाइम आएगा देख लेंगे। हाँ, ये टाइम आएगा देखने वाला बंदा है। ये क्या करेगा? डंडी मारेगा अपने काम में, डंडी मारेगा। इसको 200 रुपए मिले, 150 रुपए नहीं होगा जब तक करेगा, ये डंडी मारेगा। दूसरा बंदा बोलता है यार मेरा जितना काम है, मुझे जो दिया गया है, मैं वो ईमानदारी से करके अपने हलाल के पैसे घर लेके जाऊंगा। ये तीसरा बंदा होता है जो 200 रुपए लेके 300 रुपए का काम करता है। इसका माइंड सेट ही होता है मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। ये 200 रुपए लेके 300 रुपए वाला बंदा जो होता है, ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। मैंने क्या करा? मेरा काम था टेली मार्केटिंग करना, मैं ईमेल मार्केटिंग भी देख रहा हूँ, मैं सेल्स भी देख रहा हूँ, मैं फाइनेंस भी देख रहा हूँ, मैं DHL भी देख रहा हूँ, मैं डिजिटाइजर्स भी देख रहा हूँ, मैं मशीन की सुई में धागा भी डाल रहा हूँ। सही। अच्छा, लोग परेशान है, ये इसको क्या हो गया? मेरा दोस्त मेरे साथ बैठता था, मेरे साथ एजेंट ही था, बोलते ये तेरा काम थोड़ी है, तू पागल है क्या? जब बार बार आएंगे उनको करने थे। मैं वो नहीं होती काया जिससे हम कटिंग करते हैं बैजेस की, तो मैं बोले कि बैजेस की कटिंग कर रहा है एक दिन बैठा हुआ, तेरा काम थोड़ी है ये, तू क्यों कर रहा है? सही। मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता है मेरी जिंदगी में काम जरूर आएगा मेरे। बिल्कुल ऐसे ही। खैर, कुछ टाइम गुजरा और जब पूरा बिजनेस मेरी आंखों के सामने था ऐसे, पूरा प्रोसेस समझ आ गया। खुद भी कर सकता हूँ। अगर मैं उस सीट पे बैठा रहता और सिर्फ टेली मार्केटिंग करता रहता तो आज भी मैं एक टेली मार्केटर ही होता, हो सकता है 50-60-70 हज़ार रुपए और ज्यादा कमा रहा होता। उस टाइम 70 हज़ार रुपए कमाता था। जब एक साल के बाद मेरा प्रमोशन हुआ था, मैं मैनेजर बना।